सुप्रभात मित्राणि, वयम् अद्य सप्तम कक्षायाः संस्कृत व्याकरणस्य एकं भागं पठामः। भाग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लकार। अब लकार क्या चीज है? देखो, लकार को हम कह सकते हैं क्रिया भी कह सकते हैं, क्रिया बताना। ठीक है, वाक्य में कर्ता और एक क्रिया दो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। ठीक है, तो वही क्रियापद किस प्रकार से, किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगनी है, इस बात को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो लकार क्रियापदों को ही कह सकते हैं। ठीक है, कितने लकार हैं संस्कृत में? देखो, 10 लकाराः भवन्ति। लकाराः भी 10। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? देखो, लट लकार, लट लकारः। ठीक है, उसके बाद लट, लिट, लुट, लोट, लिट। ठीक है, कितने हो गए? 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो लट, लिट, लुट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, उसके बाद लेट, लेट हो गया विधिलिंग, लेट, लुंग और द्रिंग। तो ये मूलतः 10 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे लिए सामान्य रूप से व्यवहार में जहां भी जितनी भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसके लिए हम 5 ही आवश्यक है। पहला है लट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लोट लकार, ठीक है, चौथा है लंग लकार और पांचवा है विधिलिंग लकार। ठीक है, तो बाकी को देखो, प्रयोग एक बार बता देता हूं किस प्रकार से इनका प्रयोग। लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल की क्रियाओं में होता है, जब हम कहते हैं खाता है, जाता है, इस प्रकार की क्रियाओं में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिट लकार कहते हैं परोक्ष लिट। परोक्ष मतलब जो जिसको हमने नहीं देखा, जो बहुत पहले की बात थी। जैसे हमने कहा राजा राम राजा हुए या राम राजा थे, तो राम राजा आसीत भी कह सकते हैं, बहुव, यानी कि बहुत पहले की बात है जो हमने नहीं देखा, तो इस प्रकार से परोक्ष लिट। लुट लकार क्या होता है? भविष्य काल का ही एक प्रयोग है, यानी कि आज के बाद के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं लुट लकार के, जो आज शाम तक होगा उसके लिए हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक होता है। ठीक है, लंग लकार क्या है? भूतकाल को बताने के लिए होता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, संभावना इच्छा इत्यादि के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। इस लेट लकार का प्रयोग सामान्य रूप से व्यवहारिक संस्कृत में नहीं होगा, जो वैदिक संस्कृत में है इसके इसके प्रयोग उसमें मिलते हैं। कि लुंग लकार इसी का एक प्रकार है, यानी लंग लकार जो भूतकाल है उसी का एक प्रकार है। ठीक है, और लिंग लकार है, जैसे हमने कहा अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, अगर मैं पढ़ता तो मैं उत्तीर्ण होता, तो इस प्रकार की बात जहां कह रही हो वहां पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इन 10 लकारों में से हम आज केवल लट लकार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो लट लकार को क्या कहते हैं? दूसरा प्रयोग इसका क्या है? वर्तमान काल। तो इसी को बोलते हैं वर्तमाने लट। इसका सूत्र क्या है? वर्तमाने लट, यानी कि वर्तमान काल को बताने के लिए हम लट लकार की क्रियापदों का प्रयोग करते हैं, कोई भी धातु। इसके लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 चीजें क्रियाओं में 3 चीजें होती है, प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष की क्रिया। तो प्रथम पुरुष में जैसे हमने कहा एकवचनम, फिर द्विवचनम, फिर
बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में क्या क्या होगा, सबसे पहले हम जो पठ धातु लेते हैं, ठीक है, पठ धातु का पठति, पठतः, फिर पठन्ति, ठीक है, ये आपकी प्रथम पुरुष हो गया। उसके बाद पठसि, पठतः, उसके बाद पठतः, ठीक, फिर पठामि, पठावः, फिर अगले पठामः, ये आपकी क्रिया होगी, यानी वर्तमान कालिक लट लकार की क्रिया होगी। ठीक है, अब क्रिया क्या, पठति मतलब पढ़ता है, पठता मतलब दो पढ़ते हैं, पठन्ति मतलब वे सभी पढ़ते हैं, पठसि तुम पढ़ते हो, पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, पठतः तुम सब पढ़ते हो, पठामि मैं पढ़ता हूं, पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, पठावः हम सब पढ़ते हैं। देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या है, देखो जो बात कर रहा है, जो बात को कह रहा है वो क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, जिसको बात कही जा रही है सामने वाले को, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम यहां पर क्या है, मध्यम पुरुष है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैं क्या है, उत्तम पुरुष हो गया, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो शब्द यहां पर, वो क्रिया क्या होगी या वो कर्ता क्या हुआ, प्रथम पुरुष का होगा। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो प्रथम पुरुष, जिससे बात की जाए वो मध्यम पुरुष, और जो बात करे वो उत्तम पुरुष, यानी कि अपने को सबसे अंत में रखा गया है और जिस तीसरा व्यक्ति है उसको सबसे पहले रखा गया। ठीक है, अब इसके साथ देखो कर्ता कौन कौन से होंगे, एक बार कर्ताओं के बारे में जानेंगे कि कर्ता कौन कौन होंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हम लिखते हैं, नट लगा वर्तमान काल तो हम समझ गए हैं। ठीक, इसके ऊपर लिखे कर्ता लिखते हैं, देखिए ये पठति हमारी है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ती तह अंति, ठीक है, सी यहां पर क्या रहेगा, था, ठीक है, फिर यहां पर था, यहां पर सी, सी था, था यहां आमी। अगर ये आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको कोई भी धातु याद करने में, कोई भी क्रिया याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ती था, ती सी था, आमी आवा आम, तो इसमें आप कोई भी धातु लगा सकते हो, हसति हसता हसंती हसता हसता हसामी हसावा हसाम। लेकिन इनके साथ जो कर्ता रहेंगे वो कौन से होंगे, तो पहले लिख लेते हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, और उसके बाद उत्तम पुरुष का कर्ता। ठीक है, तो एक वचन, फिर द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। ठीक, देखिए इसके साथ यानी ती यहां भी क्रिया होगी वर्तमान काल, जाता है, खाता है, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में अगर उसको संस्कृत में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ती को देखेंगे, कर्ता क्या होगा उनके साथ, किसके साथ होगा ती, कि जहां पर सह वह की बात, सा वह स्त्रीलिंग, ठीक है, इसके अलावा बालक, ठीक है, बालिका भी इसमें आ जाएगा, और जितने भी हमारे नाम हैं, हमारे नाम भी इसमें आएंगे, पहले वाले नाम, मैं अगर मैं कहता हूं तब तो अलग चीज है, लेकिन जहां मैं कहता हूं कि दीप चंद्र कार्यम करोति, तो दीप चंद्र करोति आ जाएगा, लेकिन जहां कहूंगा कि मैं कार्य कर रहा हूं तो मैं के लिए अहम कार्यम करोमि। ठीक है, देखेंगे तो नाम यहां कितने होंगे, किसमें आएंगे, प्रथम पुरुष में ही आएंगे, तो सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, बालक बालिका नाम, और इसके अलावा भवत शब्द का भवान पुल्लिंग, और भवती
स्त्रीलिंग, ठीक है। इतने आपको क्या होंगे, सबसे ज्यादा कर्ता आपके किसमें होंगे, प्रथम पुरुष में ही होंगे, बस ये ध्यान रखना। इसी का द्विवचन हो जाएगा, किस सह का हो जाएगा तौ, इसका हो जाएगा ते, बालकः का बालकौ, ठीक है। फिर नाम तो नाम ही है, भवान का भवंतौ और इसका भवती का भवत्यौ। तो जहां भी हम तौ का प्रयोग करके तौ पठतः ते पठतः, ठीक है, यहां बहुवचन क्या आएगा, सह तौ ते सा ते ताः और बालकः बालकौ बालकाः या फिर बालिकाः, ठीक है। फिर यहां पर भवन्तः, फिर भवत्यः, ये सारे कर्ता हुए, ठीक है। किसके कर्ता हुए, आपके केवल और केवल प्रथम पुरुष के कर्ता है, ठीक है। एक बार देखेंगे, सः पठति, सा पठति, बालकः पठति, ठीक है, सुरेशः पठति, राधिका पठति, ठीक है, भवान पठति, भवती पठति। तो यानी ये सारे कर्ता जिसमें होंगे वो किससे होंगे, ती से संबंधित होगा, पठति, लिखति, हसति, गच्छति, ठीक है, कर्ता ये सभी होंगे, तो कर्ता और क्रिया। उसके बाद पठतः का प्रयोग, गच्छतः, लिखतः, हसतः का प्रयोग कहां करेंगे, तो जहां जो कर्ता तौ गच्छतः, तौ पठतः, ते लिखतः, बालकौ हसतः, ठीक है, भवन्तौ गच्छतः, भवत्यौ पठतः। तो ये द्विवचन का कर्ता जब होगा तभी हम द्विवचन की क्रिया भी इसमें लगाएंगे। फिर आते हैं बहुवचन, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति, भवत्यः पठन्ति। तो ये बहुवचन के कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया भी इसमें लगेगी, ठीक है। प्रथम पुरुष अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कभी गलतियां नहीं कर सकते। देखो मध्यम पुरुष देखेंगे आप तो मध्यम पुरुष बहुत सरल सा है, केवल तीन शब्द है, ठीक है। तो सी का प्रयोग कहां करेंगे, जहां कर्ता होगा त्वम, तुम, ठीक है, तुम जहां होगा वहां पर त्वम का प्रयोग करेंगे, त्वम, फिर युवाम, तुम दोनों, और फिर यूयम, तुम सब, ठीक है। तो त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष हो गया, त्वम गच्छसि, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, ठीक है। तो ये कहां पर प्रयोग होगा, जहां पर केवल और केवल मध्यम पुरुष का कर्ता होगा वहीं वहीं पर सी था का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं उत्तम पुरुष में, अगर आपको प्रथम पुरुष क्लियर है तो आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर क्या आया करता, अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, आमि, ठीक है, अहम के साथ आमि, आवाम के साथ आवाम, ठीक है, आवाम पठावा, आवाम लिखावा, आवाम हसावा, ठीक। फिर वयम, तो वयम पठावा, वयम लिखावा, वयम हसावा। तो अगर आपको ये चीज पहले वाले लाइन क्लियर हो गई तो आप किसी भी धातु क्रिया के साथ आप कर्ता और क्रिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कर्ता, ये हो गया आपकी क्रिया, कौन सी क्रिया हुई है, वर्तमान कालिक लट लकार की क्रियाएं हैं। अधिकतर स्थितियों में हम इसी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, क्रियाएं बना सकते हैं, ठीक है। जाता है गच्छ धातु है, मूल शब्द जो होगा धातु होगी उसके साथ हम ती लगा देंगे, गच्छति, पठति, लिखति, हसति, हस धातु है हसति, लिख धातु लिखति, गम धातु है गच्छा कर लेंगे तो गच्छति, ठीक है। इस प्रकार से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो इसके लिए याद करने की चीज क्या है, केवल ईतहांति सीतहथ आमि आवः आमः। तो इतना छोटा सा प्रयास है, अगर ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई तो कभी भी संस्कृत पढ़ते समय आपको समस्या नहीं आ सकती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अगर ये चीजें आपको क्लियर हो किस शब्द के साथ कौन सी लगानी है तो आप जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ भी पाएंगे और जो आप वाक्यों को जो कन्वर्ट करने की बात आएगी तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज का वर्तमान काल का जो लट लकार है वो समझ में आया होगा। तो फिर से मिलते हैं कल, नमो नमः।